दुर्ग जिले में स्तन कैंसर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से अधिक संख्या में शिविर में जाँच कराए जाने की अपील की है। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कैंसर की जांच के लिए महिलाओं के जो दो टाइप के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, उसकी जांच के लिए दुर्ग को चुना गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने जिला स्तर का वृहद एक शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें हमने और हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग ने पूरे फील्ड से महिलाओं को मोबिलाइज किया है। यहाँ पे 16 आपके डिवाइसेज पूरे जिला अस्पताल में आज लगे हुए हैं। जितनी भी महिलाएं हैं सबके स्तन कैंसर की जाँच की जाएगी और आपके माध्यम से मेरा सभी दुर्ग की सभी महिलाओं से और सभी नागरिकों से निवेदन है कि अगर आप खुद महिला हैं, 30-35 से ऊपर आपकी अगर उम्र है, तो पीरियोडिकली अपने स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच जरूर कराएं। अगर समय पर डायग्नोसिस हम कर लेते हैं तो इसका इलाज किया जा सकता है, देरी होने से फिर नुकसान होते हैं। जो पुरुष हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने परिवार में महिलाएं हैं, आपकी बहनें हैं, माताएं हैं, पत्नियां हैं, उनको एक स्वास्थ्य का तोहफा दें और उनकी जाँच जरूर करवाएं। चिकित्सक अर्चना चौहान ने बताया कि स्तन में असामान्य गांठ होना, स्तन के आकार में असामान्य बदलाव, स्तन में गड्ढे और लालिमा, निप्पल से असामान्य खून या तरल रिसाव स्तन कैंसर के लक्षणों में शामिल है। शासन के निर्देशानुसार हमारे आदरणीय कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज स्तन कैंसर स्क्रीनिंग का एक वृहद कैंप आज जिला चिकित्सालय में आयोजन किया गया है इसका। और मैं यहाँ पर इस अपने कथन के माध्यम से मैं अपने सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि इस शिविर का लाभ उठाएं। और मैं स्वयं एक चिकित्सक होने के साथ ही मैंने भी अपनी जांच कराई है। स्तन कैंसर महिलाओं में एक बहुत बड़ी प्रमुख कारण है कैंसर से मृत्यु होने का। परंतु स्तन कैंसर के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि अगर बहुत ही शुरुआती स्टेज में अगर ये पकड़ में आ जाता है, इसके प्रारंभिक लक्षण पकड़ में आ जाते हैं, तो इसका इलाज संभव है। और जो बिना इलाज की जो महिलाएं अकाल मृत्यु को ग्रसित हो जाती हैं, उनकी हम रोकथाम कर सकते हैं। ये जो मशीन है यहाँ पर आज जिसके इस्तेमाल से आज ये जाँच की जा रही है, वो AI जनरेटेड मशीन है, आई ब्रेस्ट एग्जाम के नाम से, जिसमें 3 से 5 मिनट में महिलाओं में स्तन में छोटी से छोटी जो गांठ है उसका ये पता लगा सकती है। और वो किस प्रकार की गांठ है, अगर छोटी से छोटी गांठ है और उसका जो किस प्रकार की वो गांठ है, अगर इसकी जांच इस शिविर के माध्यम से महिलाएं उसका लाभ ले सकती हैं, तो यकीन मानिए कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि स्तन कैंसर के प्रारंभिक चरणों में ही उसका हम उसका निराकरण कर पाएंगे और ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी पहल है। जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी पद्माकर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कैंसर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए शिविर लगाया गया है। आज का जो हमने स्क्रीनिंग कैंप रखा है, जो मुख्यतः ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के जांच के लिए है। समय समय पर राज्य शासन और केंद्र शासन की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। इस योजनाओं के तहत में जो कैंसर अभी जो बहुत भयावह स्थिति में है, लोग जांच करवाने के जब आप पहुँचते हैं तब बहुत समय हो गया होता है। तो जब अर्ली डिटेक्शन के लिए हमने जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, PSC स्तर तक के शासन के निर्देशानुसार हम कैंसर स्क्रीनिंग की जांच कर रहे हैं। और ये जो है आज का जो कैंप है, ये हमारा कैंप एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए है। अब तक 1000 से अधिक महिलाओं ने शिविर में जांच के लिए अपना पंजीयन कराया है।